नमस्कार, आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर। औरंगाबाद शहर भारत के महाराष्ट्र राज्य का एक महानगर है। वहाँ पर्यटन स्थलों में बहुत सारी जगह जैसे कि अजंता, एलोरा, बीवी का मकबरा, देवगिरी किला यानी कि अभी का दौलताबाद। बाद प्रदेश का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर है तथा शिक्षा स्थल भी है। वैसे तो औरंगाबाद विश्व में अजंता और एलोरा के प्रसिद्ध बुद्ध गुफाओं के वजह से जाना जाता है। इन गुफाओं का निर्माण 200 ईसा पूर्व से लेकर 650 ईसा तक हुई। इन गुफाओं को विश्व धरोहर यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया गया। हम आज बात करने वाले हैं बीवी का मकबरा, इस पर्यटक स्थल की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ बेगाजीडुकरे। बीवी का मकबरा पर्यटन स्थल के बारे में जानने के लिए पूरा वीडियो देखें, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अनुमान किया जाता है का निर्माण 1651 से लेकर 1661 ईस्वी सन के मध्यकाल में हुआ। गुलाम मुस्तफा की रचना तारिक नाम के अनुसार। इसके निर्माण का खर्च 668,000 जो 103.7 रुपये तक हुआ। इस मकबरे को पूरी तरह संगमरमर के पत्थरों से बनाया है। उसके अलावा दूसरा निर्माण प्लास्टर से किया गया है। कहते हैं कि इस वास्तु के लगने वाले पत्थर, जो भी संगमरमर के पत्थर है, वो जयपुर से कुछ खदानों से लेके आए थे। आजम शाह इसे ताजमहल से भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने चाहते थे, परंतु औरंगजेब द्वारा दिए गए खर्च में ये मुमकिन नहीं था, ना ही हो पाया। इस मकबरे का डिज़ाइन अतुल्ला द्वारा किया गया था। अतुल्ला के पिताजी उस्ताद अहमद लाहौरी को विश्व प्रसिद्ध ताजमहल के मुख्य आर्किटेक्ट के तौर पर पहचाना जाता है। ये मकबरा हूबहू ताजमहल जैसा है, लेकिन ताजमहल से बहुत छोटा है। आकार में जगह की कमी की वजह से, तकनीकी खामियों की वजह से, संगमरमर की कमी की वजह से यह वास्तु कभी कभी ताजमहल के बराबर नहीं सोची गई। इसका निर्माण मुगल बादशाह आजम शाह ने अंतिम 17वीं शताब्दी में करवाया था। यह उनकी माँ दिलरस बानो बेगम की याद में बनाया गया था। दिलरस बानो बेगम को एक और नाम से भी जाना जाता था, राबिया उद दौरानी। यह ताजमहल की प्रकृति पर बनाया गया था। यह मकबरा अकबर एवं शाहजहां के काल में अंतिम मुगलों के साधारण वास्तुकला के परिवर्तन को दर्शाता है। यह मकबरा चर्चे में इस वजह से रहा कि इसका तुलना इसकी ताजमहल के बराबर करने चाहिए। जब औरंगाबाद में औरंगजेब का राज था, तो वो बीवी का मकबरा उनके एकदम मार्केट सिटी बना हुआ था। शहर के एकदम बीचों बीच पूरा कारोबार यहीं से चलता था उनका। कहते हैं कि औरंगजेब में जितनी भी वास्तुएं बनाई हैं, जितने भी किले बनाए हैं, उसमें से ये सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत है। वहाँ जाने के लिए प्लेन से वहाँ का नज़दीक का एयरपोर्ट चिकलठाना एयरपोर्ट है। वहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर चिकलठाना एयरपोर्ट है। उसके लिए फ़्लाइट आपको बहुत सारी जगह पे मिलेगी, मुंबई से मिलेगी, दिल्ली से मिलेगी, बेंगलोर, जितने भी मेट्रो सिटी है वहाँ सबसे मिलेगी। अगर आप बाय रोड जाना चाहते हो, आप जहाँ रहते हैं वहाँ से कोई भी ट्रेन या कुछ भी टैक्सी पकड़ के आप औरंगाबाद सिटी चले जाएँ। वहाँ जाने के बाद टैक्सी, ऑटो, रिक्शा कुछ भी आपको वहाँ तक लेके छोड़ेगा। अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हो तो बहुत सारी ट्रेन आपको जलगांव, पुणे, मुंबई, नागपुर और बाकी बड़ी सिटियों से आपको ट्रेन मिल जाएगी। चलो तो दोस्तों, जब भी कभी मौका मिले औरंगाबाद जाने का, तो वहाँ बीवी का मकबरा ज़रूर देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलते हैं ऐसे ही एक टूरिस्ट स्पॉट के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें कि अगला टूरिस्ट स्पॉट आप कौन सा चाहते हो, किसके बारे में आप जानकारी चाहते हो। थैंक यू।